दोस्तों, नाग केसर के फायदे और नुकसान ढेर सारे होते हैं। नाग केसर एक प्रकार का पौधा होता है जिसकी पत्तियां लाल और चमकीले रंग की तथा फूल सफेद और पीले रंग के होती हैं। नाग केसर के फूल के अंदर पीले केसरी रंग के पुंकेसर गुच्छे के रूप में आते हैं, जिन्हें नाग केसर कहा जाता है। आयुर्वेद में नाग केसर का उपयोग औषधि के रूप में किया जाता है, जिसके इस्तेमाल से कई शारीरिक एवं मानसिक रोगों से बचा जा सकता है। नाग केसर को हिंदी भाषा में नाग केसर, नागेसर व पीला और अंग्रेजी में कोबरा सैफ्रन कहा जाता है। इसके अलावा नाग केसर को संस्कृत भाषा में नागपुष्प, अहिकेसर व वारण, कोंकणी में नाग चंपा, कन्नड़ में नाग केसरी, तेलुगु में नाग केसर, तमिल में नौगु, उड़िया में नागस्वर, गुजराती में नागचंपा, बंगाली में नाग केसर, मराठी में नाग केसर, पंजाबी में नागस्वर और नेपाली में नारीसाल कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, इसके फायदों की जानकारी के साथ क्या नुकसान होते हैं उसकी भी जानकारी जान लेते हैं। तो सबसे पहले मित्रों, हम फायदों की बात कर लेते हैं। नंबर वन, नाग केसर मासिक धर्म से जुड़ी समस्याओं को खत्म करने में बहुत मददगार होता है। महिलाओं में मासिक धर्म के दौरान नाग केसर का सेवन करने से मासिक धर्म से संबंधित समस्याएं खत्म हो जाती हैं। इसके अलावा नाग केसर के उपयोग से महिलाओं में ल्यूकोरिया के रोग से भी सुरक्षित रहा जा सकता है। नंबर टू, नाग केसर हिचकी को दूर करने में मददगार होता है। जिन लोगों को बहुत अधिक हिचकी की समस्या होती है, उन लोगों को नाग केसर के चूर्ण के साथ शहद मिश्री को मिलाकर महुए के रस के साथ सेवन करना चाहिए। इससे हिचकी ठीक हो जाती है। नंबर थ्री, नाग केसर हृदय के लिए लाभदायक माना जाता है। नाग केसर में ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो शरीर में बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करने और अच्छे कोलेस्ट्रॉल में वृद्धि करने में सहायक होता है। हृदय को स्वस्थ और कई घातक बीमारियों से सुरक्षित रखने के लिए नाग केसर का इस्तेमाल करना हितकारी होता है। नंबर फोर, नाग केसर अस्थमा के रोगियों के लिए हितकारी होता है। अस्थमा के रोगियों को नाग केसर का नियमित रूप से इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि नाग केसर में ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो अस्थमा के लक्षणों को कम करने में मदद करता है। अस्थमा के लक्षण जैसे अधिक सांस फूलना, कफ जमना आदि को दूर करने के लिए नाग केसर का उपयोग करना लाभकारी होता है। नंबर फाइव, नाग केसर का उपयोग सांप के काटे जाने पर किया जाता है। नाग केसर में ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो सांप के विष को शरीर से खत्म करने में सहायक होते हैं। सांप या किसी भी कीड़े के काटने पर नाग केसर का इस्तेमाल करें, यह लाभदायक होता है। नंबर सिक्स, नाग केसर त्वचा के लिए फायदेमंद होता है। त्वचा को रोगमुक्त रखने और सौंदर्य प्रदान करने के लिए नाग केसर का उपयोग करना काफी अच्छा माना जाता है। इसके अलावा नाग केसर घावों को भरने में भी काफी कारगर होता है। किसी भी प्रकार के घावों को भरने के लिए नाग केसर के तेल का उपयोग करें, इससे घाव तुरंत भर जाते हैं। नंबर सेवन, नाग केसर का उपयोग जोड़ों के दर्द में राहत दिलाने में काफी प्रभावशाली होता है। जिन लोगों को जोड़ों के दर्द से संबंधित समस्याएं होती हैं, उन लोगों को नाग केसर के बीज से बने तेल का इस्तेमाल करना चाहिए, यह इनके लिए फायदेमंद होता है। गठिया के रोगियों को अक्सर जोड़ों में दर्द की समस्या रहती है, जिनके लिए नाग केसर के तेल का इस्तेमाल करना काफी अच्छा माना जाता है। नंबर एट, नाग केसर पेट संबंधी समस्याओं को दूर करने में मददगार होता है। नाग केसर गैस, मतली जैसी कई समस्याओं को दूर करके पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में सहायक होता है। इसके अलावा उल्टी दस्त की समस्या को ठीक करने के लिए भी नाग केसर का उपयोग करना अच्छा होता है। और लास्ट है नंबर नाइन, नाग केसर के फायदे खांसी और सर्दी जुकाम जैसी समस्या से ग्रस्त लोगों के लिए हो सकते हैं। खांसी, सर्दी, जुकाम की परेशानी से छुटकारा पाने के लिए नाग केसर का सेवन करें, क्योंकि नाग केसर में पाए जाने वाले तत्व इन समस्याओं को ठीक करने में बेहद कारगर होते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसके कुछ नुकसान भी जान लेते हैं। नाग केसर के उपयोग से कोई नुकसान नहीं होते, परंतु इसका आवश्यकता से अधिक इस्तेमाल करने से यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं को नाग केसर का उपयोग करने से पहले डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। इसके अलावा किसी रोग या एलर्जी के इलाज के दौरान नाग केसर का इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर की सलाह लें।
तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको अच्छी जानकारी मिली होगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अन्य लोगों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।